इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। फेनिरगेन सिरप को भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जाना चाहिए। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इसे हर दिन एक नियत समय पर लें। दवा की डोज और आप इसे कितनी बार लेते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस लिए ले रहे हैं। आपका डॉक्टर यह तय करेगा कि आपको अपने लक्षणों में सुधार करने के लिए कितनी आवश्यकता है आपको। जब तक इस दवा को लेने के दिशा निर्देश मिले हों तब तक इस दवा को लें। अगर आप कोई खुराक लेना भूल गए हैं तो जैसे ही आपको याद आए उसे ले लें। हालांकि आपको कभी भी डबल डोज नहीं लेना चाहिए। इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में मुंह में सूखापन, धुंधला दिखना, सिरदर्द और चक्कर आना शामिल हैं। अगर आप इनसे परेशान हैं या स्थिति गंभीर होती जा रही है तो अपने डॉक्टर को बताएं। उन्हें कम करने या रोकने के तरीके हो सकते हैं। यह त्वचा को सूरज की रोशनी के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन का उपयोग करें या सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। इस दवा को लेने से पहले अगर आपको ग्लॉकोमा या अस्थमा की समस्या या हाई ब्लड प्रेशर हो तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं। अगर आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं। आपके डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में भी जानना चाहिए जो आप ले रहे हैं, क्योंकि इनमें से कई इस दवा को कम प्रभावी बना सकती हैं या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती हैं। आमतौर पर इस दवा से इलाज के दौरान शराब पीने से बचने की सलाह दी जाती है। फेनिरगेन सिरप के फायदे। ट्रीटमेंट ऑफ नौसिया। फेनिरगेन सिरप आपके शरीर में आपको बीमार करने वाले या बीमार महसूस करवाने वाले केमिकल्स की क्रिया को ब्लॉक करता है। इसका उपयोग अक्सर कुछ दवाओं के कारण होने वाली जी मिचलाने और उल्टी को रोकने के लिए किया जाता है। यह दवा आपको जल्दी से ठीक करने में मदद करती है। डोज इस बात पर निर्भर करेगी कि आप इसे किस लिए ले रहे हैं, लेकिन इस दवा को हमेशा वैसे ही लें जैसे बताया गया है। एलर्जिक कंडीशन का इलाज। फेनिरगेन सिरप का इस्तेमाल अलग अलग प्रकार की इन्फ्लेमेटरी और एलर्जी की स्थिति का इलाज करने के लिए किया जाता है। यह इन स्थितियों के प्रति आपके इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया को कम करके काम करता है और शरीर में सूजन का कारण बनने वाले पदार्थों को रिलीज होने से रोकता है। यह सूजन, दर्द, खुजली और अन्य एलर्जी प्रकार की रिएक्शन जैसे लक्षणों से राहत दिलाने में मदद करता है। अगर आप नहीं जानते हैं कि यह दवा आपको क्यों दी जा रही है तो अपने डॉक्टर से पूछें। यह दवा ओरली मुंह द्वारा दी जाती है। आपको इसे हमेशा लेना चाहिए क्योंकि इसे आपके लिए डॉक्टर की पर्ची पर लिखा गया है। अपने डॉक्टर की सलाह के बिना इसे लेना बंद न करें। इसके कारण खराब विड्राल लक्षण हो सकते हैं। चूंकि यह दवा आपके प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करती है इसलिए आपको बीमार व्यक्तियों और संक्रमण से ग्रसित व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस एक समस्या है जो यात्रा के दौरान हिलने डुलने या तेज गति के कारण होती है। इस रोग के परिणामस्वरूप स्पिनिंग सेंसेशन, चक्कर आना, मिचली या उल्टी का अनुभव हो सकता है। फेनिरगेन सिरप से इन लक्षणों को असरदार तरीके से इलाज करने में मदद मिलती है। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इसे डॉक्टर द्वारा पर्ची में लिखे गए अनुसार लें। फेनिरगेन सिरप के साइड इफेक्ट। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। सीवियर साइड इफेक्ट्स ऑफ फेनिरगेन। महिलाओं और पुरुषों में स्तन के दूध का असामान्य उत्पादन। फेनिरगेन सिरप का इस्तेमाल कैसे करें। इस दवा की खुराक और अनुपान की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। इस्तेमाल करने के पहले लेवल की जांच कर लें। इसे मापने वाले कप से मापें और फिर पिएं। इस्तेमाल करने के पहले अच्छी तरह से हिलाएं। फेनिरगेन सिरप को खाने के साथ या भूखे पेट भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक तय समय पर लिया जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।